30 अक्टूबर को और 1 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर को आपने देखा होगा, 30 सितंबर को आपने देखा होगा कि यहाँ से कार्यक्रम करके बिहार अभी बाढ़ की विभीषिका से, हमको लगता है कि जो भी नेपाल से आने वाली नदी है उससे पूरा बिहार में लगभग आधे से ज्यादा क्षेत्र में बाढ़ का भयंकर तांडव हो रहा है। उसमें हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी 30 को यहाँ से पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और 1 तारीख को लगातार 2 दिवसीय दौरे पर थे। कोसी से प्रभावित बहुत सारे, लगभग सैकड़ों पंचायत का उन्होंने दौरा किया, वहाँ जिला स्तरीय उन्होंने समीक्षा की डीएम से, एसपी से और हम लोग के पार्टी लोकतंत्र शक्ति पार्टी रामविलास के सभी हमारे नेता उपस्थित थे और उस जिला अध्यक्ष के साथ वहाँ उस जिले के सभी महत्वपूर्ण नेताओं के साथ बैठक किए और बाढ़ में बुरी तरह से पीड़ित लोगों के दुख बांटने में गए थे और कुछ जगहों पर कार्यकर्ताओं के द्वारा, नेताओं के द्वारा राहत सामग्री की भी व्यवस्था की गई थी, जिसको उन्होंने नाव पर लेकर के दर्जनों गांव में उन्होंने अपने हाथ से जो पीड़ित हैं उनको वितरण किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार में कोसी डैम से, चाहे आप वाल्मीकि नगर बैराज से और नेपाल से जितनी नदियां, ये बिहार के साथ बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रत्येक वर्ष, इस बार तो समझिए हमको लगता है कि कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ हो गया था, कोसी तटबंध के ऊपर से पानी बह रहा था, मतलब पूरा वो जो डैम है उसके ऊपर से पानी निकल करके, और उसी में दरभंगा का एक बांध टूट गया जिसमें बहुत हजारों के हजारों गांव आज बुरी तरह से, बिहार में मतलब सीतामढ़ी से लेकर के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, हाजीपुर हो चाहे शिवहर हो, फिर उधर आप कोसी से अररिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, खगड़िया, बहुत सारे लोग प्रभावित हैं। हमारे नेता लगातार सरकार के संपर्क में हैं कैसे बाढ़ पीड़ितों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुंचाई जाए, और उनके निर्देश पर हमारे पार्टी के सभी जिला के बड़े नेता, जिला अध्यक्ष के साथ लगातार बाढ़ पीड़ितों की मदद में अपने अपने स्तर से पार्टी की तरफ से लगे हुए हैं। उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि 8 अक्टूबर को हमारे संस्थापक पद्मभूषण रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि है। उस अवसर पर प्रत्येक वर्ष के भांति पूरे बिहार से जन्मस्थली सहरबनी पहुंचते हैं, उसकी भी तैयारी जोरों से हो रही है, क्योंकि हम लोग के संस्थापक जिनके पद चिन्हों पर हम लोग चलने का काम करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के पुण्यतिथि वहाँ मनती 8 अक्टूबर को, और उनका जन्म दिवस हम लोग हाजीपुर में जहाँ मूर्ति, आदमकद मूर्ति लगी है वहाँ हम लोग मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष बड़े पूरे कार्यकर्ता बिहार से इकट्ठा होते हैं, इस वर्ष हम लोग 8 अक्टूबर को वहाँ पर इकट्ठा होंगे और साथ ही साथ नेता के जो द्वारा बताया गया है 28 नवंबर को हम लोग जो गांधी मैदान में स्थापना दिवस के दिन तैयारी हम लोग की चल रही है, उसकी भी सभी हमारे नेता सभी जिला में जा जा करके तैयारी कर रहे हैं, सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह कर रहे हैं, निमंत्रण कर रहे हैं कि आप लोग 28 अक्टूबर को गांधी मैदान में लाखों लाखों की संख्या, 28 नवंबर को स्थापना दिवस के दिन लाखों लाखों की संख्या में वहाँ पर सबको आमंत्रित किया जा रहा है, पहुँचने के लिए आग्रह किया जा रहा है। और इस बार स्थापना दिवस के दिन हम लोग बहुत बड़ा कार्यक्रम करने का राष्ट्रीय उस पर हम लोग काम कर रहे हैं,
और बिहार में हम लोग निरंतर बाढ़ पीड़ितों के भी हमारे नेता संपर्क में हैं, हम लोग सब लोग संपर्क में हैं।